हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लेना ही कोई पसंद नहीं करता। अगर ये किसी को हो जाती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। कोई नहीं चाहता कि इसका कभी भी सामना करना पड़े। इसी में से एक है ओरल कैंसर, एक बहुत ही कॉमन कैंसर है ये। बहुत सारे हमारे देश में लोग इससे जूझ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओरल कैंसर क्यों होता है, क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पे है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम इस कैंसर से बच सकें। तो मैं आपको बचने के सिर्फ दो तरीके बताने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए भी फायदेमंद है और साथ ही साथ आपके फैमिली और फ्रेंड्स सब लिए बेनिफिशियल। आज का ये जो वीडियो है ये आप पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओरल कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि तंबाकू गुटखा का सेवन करना, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर वीक इम्यूनिटी। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके भी ये प्रॉब्लम रहती है। अगर आपने पुअर डेंचर पहना, आपके कोई शार्प टीथ है, अगर आप ओरल हाइजीन आपकी अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हो, या फिर जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें अपना कर आप इस कैंसर से बच सकते हो। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है ग्रीन टी। हमारे ओरल कैंसर का जो मेन कारण होता है वो होता है मुंह में फ्री रेडिकल्स और बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो ग्रीन टी होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, साथ ही फ्री रेडिकल्स और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो अगर आप रेगुलरली 2 कप ग्रीन टी का सेवन करते हो तो आपके ओरल कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोलती कि आप रेगुलर तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हो, ऑलरेडी आपके मतलब बॉडी में कार्सिनोजेनिक सेल्स है, उसके बावजूद भी आपके ये कैंसर है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लोग अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखते हैं और उनके किसी दूसरे कारण की वजह से जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फ्री रेडिकल्स होते हैं या टीथ बाइटिंग की वजह से, शार्प टीथ, पुअर डेंचर, इन सब की वजह से अगर ओरल कैंसर होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है, तो आप इससे बच सकते हो सिर्फ 2 कप ग्रीन टी का रेगुलर सेवन करने से। तो पहला हो गया ग्रीन टी। दूसरा है टमाटर। टमाटर में लाइकोजिन पाया जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होता है जो जैसे कि ग्रीन टी करती है वही ये काम करती है। ये भी बेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैंसर को पैदा करते हैं, कैंसर को बढ़ाते हैं उनको, और साथ ही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको बढ़ने से रोकते हैं। तो अगर आप अपने जो डाइट होती है उसमें टमाटर का सेवन करते हो तो इससे भी आपके कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इन सब के अलावा है तंबाकू गुटखा का सेवन। तंबाकू गुटखा का सेवन करने वाले लोगों को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा संभावना होती है ओरल कैंसर की। अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करना बंद कर दें या बिल्कुल भी न करें तो आपके जो लोग करते हैं उनकी तुलना में आपके जो मुंह का कैंसर होने की संभावना है वो कम हो जाती है। साथ ही स्मोकिंग करना, अगर आपके कार्सिनोजेनिक सेल्स है और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो इससे वो एक्टिव हो जाती है, बढ़ती है। तो अगर आप स्मोक नहीं करते हो, अल्कोहल का सेवन नहीं करते हो तो इससे भी आपके कैंसर होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, नए के बराबर हो जाती है अगर आपका शरीर हेल्दी है। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने के कुछ तरीके होते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिनको ज़्यादा पकाना पड़ता है और कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिनको कच्ची खानी होती है। अगर उनको ज़्यादा पका लिया जाए तो उनसे उनके जो गुण है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो कच्ची सब्जियां खाने वाली होती है उनको आप कच्चा खाइए, उससे आपके कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है, साथ ही आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ता है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगा तो आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता होएगी,
किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन बॉडीज होते हैं उनसे लड़ने की अगर आपकी क्षमता होगी तो कैंसर जैसी कोई चीज़ आपके शरीर में नहीं रह सकती। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों का रेगुलरली सेवन जरूर करना है, साथ ही आप योगा और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हो तो आपके ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही आपको अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है, अब क्योंकि मुंह का जो कैंसर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो आपके होंठ के अंदर की साइड हो सकता है, आपके टंग पे हो सकता है, अंदर वाले म्यूकोस यानी गाल पे हो सकता है, मसूड़ों पे हो सकता है, या फिर पैलेट जो ऊपर वाला तलवा होता है वहाँ पे हो सकता है। तो ये ज़्यादातर होने वाली जगह है। साथ ही लिप कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओरल कैंसर के ही अंदर आता है ये। अगर आप चाहते हो कि आपके ये वाला कैंसर ना हो तो आप कभी भी, क्योंकि ज़्यादातर धूप में निकलने की, धूप की जो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके संपर्क में आने की वजह से होती है, तो आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो या तो आप बहुत सारे ऐसे लिप बाम आते हैं जो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, या अपने चेहरे को अच्छे से कवर कर सकते हो, हेड कैप का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको थोड़ा सी केयर करनी है ताकि आपके लिप कैंसर का खतरा कम से कम हो। साथ ही रेगुलर दांतों की ब्रश करो, हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए ताकि अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी चीज़ है तो उनसे बचा जा सके। क्योंकि कोई भी आपका शार्प टूथ है या कोई भी आपका छाला बार बार हो रहा है या कहीं पे भी आपके फुंसी फोड़े मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर आपके माउथ को देख के चेक कर लेंगे कि आगे जाके आपके कोई बड़ी प्रॉब्लम तो ना हो। तो आपको हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर करनी है। आपको अपने मतलब दांत में कोई केविटी है, कोई भी डिकेट टूथ है तो उनको भी आपको सही करवाना है, ट्रीट करवाना है, ताकि उनका इन्फेक्शन आपके मुंह में, आपके लिम्फ नोड्स में, आपके गाल तक या फिर आपके अंदर न फैले। साथ ही अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखने का मेरा मतलब है कि प्रॉपरली ब्रशिंग करनी, रात को ब्रश करना, फ्लोसिंग करनी, मुंह में जब भी कुछ खाते हो तो अच्छे से सफाई करनी, कुल्ला करना, ताकि कोई भी जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इन्फेक्शन है वो न हो। और ये है हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।